दर्शकों नमस्कार, हर हर महादेव। मैं विकास आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल BGR Blogs में। आज मैं फिर से एक नए सफर पे निकल चुका हूँ और आज दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वाराणसी में पांडेपुर से संधा तक जो फोर लेन सड़क बनाने का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ है वो, और हम लोग चल के देखेंगे कि इसकी जो यथास्थिति प्रोजेक्ट की वो क्या है। ये भाई साहब को बहुत जल्दी लग रही है, जा भैया तू जा, तो वह जल्दी है तो पहले पहुंचा, जा 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 लब से जा। तो दर्शकों देखिए भाई को बहुत जल्दी थी, तो हमने कहा भैया आप ले जाइए, हम तो एकदम निश्चिंत आदमी है, आराम से अपने दर्शकों को दिखाते हुए और बताते हुए हर चीज़ आगे बढ़ेंगे। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये दोस्तों, राइट साइड में अगर जाएंगे आगे से तो कचहरी पड़ेगा, पांडेपुर चौराहा पड़ेगा आगे, वहाँ से आपके सीधे अगर चले जाएंगे तो आशापुर चौराहा पड़ेगा, और वहाँ से लेफ्ट लेंगे तो आप सारनाथ पहुँच जाएंगे। सारनाथ वही जगह है जहाँ की आपका भगवान महात्मा बुद्ध ने 5 अपने जो जिले हैं उनको उपदेश किया था। तो काशी की एक ऐतिहासिक धरोहर है सारनाथ, इसलिए VIP मूवमेंट दोस्तों बहुत होता है यहाँ पर। सड़क जो है वो थोड़ी सी इधर की गड़बड़ है, पर कोई नहीं, सरकार उसको देख ही लेगी ऐसा मुझे लगता है, फिर तो सड़कों का काम चल रहा है। भाई जो पहले की सड़कें बनी हैं उसको नया बनाने के लिए आप जान ही रहे हैं, घर पर बना लिए हैं लोग, वहाँ गिराना पड़ता है। देखिए अंड कबंड कहीं से भी निकल जाएंगे, ऐसे धुरंधरों से ही दिक्कत है, ना हार्न देंगे ना कुछ देंगे, बस सीधे घुस जाएंगे पागल की तरह। ये देखिए जा रहा है, क्या किया जाए दर्शकों। अब मैं पहुंच गया हूं जो पांडेपुर फ्लाईओवर है उसके नीचे, और देखिए इसी जाम से बचने के लिए जो फोर लेन निर्माण का जो प्रोजेक्ट है वो लाया गया है। ये देखिए ये हाल रहता है यहाँ पे पांडेपुर चौराहे पहुंचने के लिए। अब इसी बीच में इन्हें लोग गाड़ी भी खड़ी करती हैं, इस भाई बहुत जल्दी है, जा भाई तो जल्दी जा, तेरा बनता है यार। वैसे हेलमेट इसका शरीर देखिए, गाड़ी लग रहा है जैसे अलग से बिठा दिया गया है। पहले दोस्तों मैं ही ऐसा मरियल सा था, लेकिन अब थोड़ा मोटा मोटा हो गया हूँ। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है आपका पांडेपुर चौराहा। आपको देखिए सिग्नल दिख रहा होगा, सिग्नल हमेशा पीला ही रहता है, कभी रेड ऑड होता ही नहीं है, पता नहीं क्या उसको लगाए मालूम नहीं ये दोस्तों, कभी रेड ऑड में कभी देखा ही नहीं उसको, ये हमेशा पीला ही रहता है, ये ऐसा फर्जी मतलब सिग्नल है। तो सीधे अगर आप जाएंगे दोस्तों तो आशापुर पहुंच जाएंगे, आशापुर लेफ्ट साइड अगर जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे आपका, ये देखिए यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, वाराणसी रिंग रोड, यहाँ से 4 किलोमीटर है दोस्तों। और ये है आपका, यहाँ पे देखिए डिस्प्ले का एक वो लगा हुआ है, ये आपका पांडेपुर चौराहा है। आइए आज हम लोग चलेंगे इस साइड से, और ये आपका जो सड़क है ये आपका रिंग रोड की तरफ जाती है, आजमगढ़ की तरफ। आज हम लोग इसी सड़क पे चलेंगे, कारण उसका ये है कि हमें दिखाना है आपको कि जो फोर लेन प्रोजेक्ट बनने वाला है वो कहाँ से ये लोग लेकर आएंगे। अभी मैं खुद ही वो चल के देख रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट है उसको ये लोग कैसे फलीभूत कर रहे हैं। दोस्तों वाराणसी में आपका पांडेपुर सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक है, हमेशा यहाँ पे जो जाम की स्थिति है वो बनी रहती है। तो इसी जाम से निजात दिलाने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ है, जो मार्केट है। तो इसी कारणवश ये जो प्रोजेक्ट है, देखिए ये सिंगल लेन है, यहीं पर जो बड़ी बड़ी बसें हैं और जो वाहन है वो सारे यहीं से होके जाते हैं। सड़क की भी यहाँ की काफ़ी गड़बड़ है, और ये शुरू से ही गड़बड़ है दोस्तों, मतलब ऐसा नहीं कि अभी गड़बड़ हुआ है, इस सालों से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे गड़बड़ी सड़क है। ये देखिए ये गड्ढा सदियाँ हो गई लेकिन इसको भर नहीं पा रहे हैं ये लोग, तो इसीलिए मुझे लगता है कि फोर लेन का जो निर्णय है वो लिया गया है। तो मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ आपका पांडेपुर से संधा की तरफ, जो आपका रिंग रोड जहाँ पे
रहेगा वहाँ पर। देखिए यहाँ कैसे निकला जाए यार, बीच में इतना धीरे धीरे गाड़ी लेके आ जाते हैं, इसका क्या ही किया जाए। देखिए जाम लगा दिए, और जाम क्यों लग रहा है, देखिए यहाँ पे गड्ढा है, इसी में से गाड़ी में बचने के लिए लोग गाड़ी तो अपनी धीरे करेंगे ही, और जब धीरे करेंगे तो पीछे की गाड़ी भी धीरे हो जाएगी, तो इसीलिए जाम लगता है। ये आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ आपका वाराणसी में बन रहे पांडेपुर संधा फोर लेन जो प्रोजेक्ट है इसको दिखाते हुए। यहाँ पे देखिए कला निधि करके यहाँ पे एक शॉप है करके जगह है, जो कि आपका मुंशी प्रेमचंद की जो स्थली है, जो राइटर थे बहुत बड़े राइटर हमारे देश के मुंशी प्रेमचंद। ये देखिए ये लालपुर करके जगह है और ये मार्केट है लालपुर का। जो कोई भी लालपुर से ये वीडियो देख रहा हो कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आप यहाँ के हैं या यहाँ पे शॉपिंग करने आप आते हैं। मार्केट दोस्तों ये काफ़ी बड़ा है, तो ये आपका पांडेपुर बाज़ार और लालपुर का जो मार्केट है उसको मिला के ये बनता है आपका। ये देखिए ये हाल है आपका, यह बजरंगबली, बजरंगबली का एक मंदिर है। ये देखिए सड़क का ये हाल था, ये सड़क दोस्तों बहुत टाइम से नहीं बनी है, अब जाके चलिए किसी ने इसके बारे में सोचा है कि भैया इसको फोर लेन करेंगे। फोर लेन करेंगे तो ये सारी जो दुकानें आपको दिख रही हैं सारी रहेंगी। आपका वाराणसी आजमगढ़ रोड है, जो कि आगे जाके आपका रिंग रोड में मिलता है, रिंग रोड चौराहे से होते हुए फिर वो वहाँ से फोर लेन है। इधर वाराणसी वाला एरिया तो फोर लेन ही है। अंकल जी पता नहीं कहाँ देख रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, ऐसे नहीं अंकलों की वजह से ही और दिक्कत होती है, तो अचानक करते हैं उसको। तो ये जो स्ट्रेच है दोस्तों ये समझ में आया कि 6.5 किलोमीटर का है यार। ये देखा फॉर्च्यूनर लिए हैं तो पहले जाएंगे, वाह रे फॉर्च्यूनर, जो फॉर्च्यूनर लिया है वो पहले जाता है, ऐसा अपना ट्रेन का है। हम फॉर्च्यूनर लिए हैं तो हम पहले जाएंगे भाई, ये दाएँ बाएँ हो जाए यार, ठीक कर रहा है गाड़ी से ना, इधर चल रहा है ना इधर चल रहा है, एकदम बीच में चल रहा है। देखा चल भाई तू बड़ा आदमी है तो बीच में चल सकता है बेटा, हम भी 125 इसी लिए जाएंगे तो गाड़ी ले। ये अब एक तो क्या है भाई, ये गजानन सोसाइटी है बनी हुई है, ठीक ठाक दिख रही है। और अब मैं आ गया हूँ, कहाँ गया हूँ, यहीं पर दोस्तों एक उद्योगपति से शराब व्यापारी उसका घर आए कहीं जो दिख नहीं रहा, या तो मैं उसके आगे आ गया हूँ या तो उसके पीछे हूँ पता नहीं उसका क्या तो नाम था, भूल गया मैं जवाहिर से था और घर का नाम था उसका, उनका घर काफ़ी फेमस था क्योंकि उस जमाने का सबसे महंगा घर उन्होंने बताया था। यहाँ पे पेट्रोल पम्प है दोस्तों राइट साइड पे, रास्ता भाई ये आपका पता नहीं क्या दुर्गा पैलेस करके जगह है। ये देखिए दोस्तों सड़क का हाल, तो बताइए सड़क को बनवाना जरूरी है कि नहीं। यहाँ पे एक और पेट्रोल पम्प है, बहुत सारा पेट्रोल पम्प दे दिया है, बहुत नजदीक है, देखो ज़्यादा तेल भराने आते हैं गाड़ी में। पांडेपुर चौराहे से लेकर
सड़क है दोस्तों बहुत ही बेकार है, एकदम घटिया दो कौड़ी की है दोस्तों। बस किसी तरह आदमी इससे चल रहा है मजबूरी में, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, नहीं तो दूसरी जगह से जाता। ये गधे जो थे वो गधे गधे ही रहेंगे, वो कभी कायदे से नहीं चल सकते। ये देखिए दोस्तों, ये आपका मुंशी प्रेमचंद द्वार है और ये मुंशी प्रेमचंद जी की जन्मभूमि है, उसके कारण उसका जो नाम है वो रखा गया है। उत्तर प्रदेश परिवहन आ रहा है, यहाँ रुकना पड़ेगा भैया उत्तर प्रदेश परिवहन। ये देखिए यहाँ पर चल रहा है काम, क्या काम चल रहा है भाई, कुछ काम चल रहा है, ये लोग बालू वालू डाल रहे हैं यहाँ पर। हम लोग आ गए आगे, चला भैया चला, यादव भोजनालय, अब तो यादव भोजनालय बहुत देखा हूँ, हर जगह यादव भोजनालय रहता ही रहता है। तो सामने दोस्तों मुझे रिंग रोड जो है वो दिखाई दे रही है और जो रास्ता है यहाँ पर नालियोली बनाने का काम तो हुआ है, देखिए इस साइड नालियोली बनाने का काम किए हैं सब। चलो भाई तेज चलो यार, थोड़ा यार ऐसे धीरे धीरे चलोगे तो हम लोग कहाँ वीडियो बना पाएंगे भाई। ये क्या है, 52 बीघा गौशाला, यहाँ पर दोस्तों 52 बीघा गौशाला है। एक तो वो मुझे सामने बोर्ड दिख रहा है कि आजमगढ़ जो है सीधा जा रहा है और लखनऊ के लिए लेफ्ट मोड़ जाना है। लड़का जो था एकदम डर गया कि हम उसको दबा देंगे क्या, लेकिन दोस्तों हम बहुत बढ़िया आदमी हैं, कतई ही हम किसी को नहीं दबाएंगे, गाड़ी बहुत धीरे धीरे चलाते हैं, बिल्कुल तीव्र गति से नहीं चलाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये देखिए, ये रास्ता आपका लेफ्ट साइड लखनऊ जाता है, राइट साइड गाजीपुर जाता है, सीधे आजमगढ़ जाता है। तो हमें दोस्तों ना आजमगढ़ जाना है, ना गाजीपुर जाना है, ना लखनऊ जाना है, हमें तो जाना है अपने घर। तो इसलिए हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट, ये रास्ता दोस्तों अगर अयोध्या जाना है किसी को तो वो सीधा जा सकता है। तो यहाँ तक का आज का जो सफ़र था वो यहीं तक था। अब जो है मैं वीडियो जो है ये जो करता हूँ समाप्त। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आप लोगों से निवेदन रहेगा हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता रहे और मैं लगातार आप लोगों को इसी प्रकार की जो वीडियोज़ है वो लाता रहूँ। तो आज की वीडियो करता हूँ यहीं पे समाप्त। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हर महादेव।